के जीनियस माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड अब स्टार्ट करें हमारे इकोनॉमिक्स के फोर्थ चैप्टर को जिसका नेम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ एवं लक्षण। लक्षण को हम विशेषता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो पूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ लिखा है। लिखा है पूर्ण प्रतियोगिता से तात्पर्य बाजार की ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी वस्तु के बहुत अधिक क्रेता व विक्रेता हो, जिन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु का क्रय विक्रय करते हो तथा बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य हो। यहाँ चार बातें सामने आती है, कौन कौन सी। फर्स्ट, क्रेता विक्रेता बहुत अधिक होते हैं वस्तु के, उन क्रेता विक्रेता को बाजार की पूरी जानकारी होती है, वस्तु का क्रय विक्रय करने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं, मतलब क्रेता विक्रेता एक दूसरे को वस्तु खरीदने और बेचने के लिए बाध्य नहीं करते तथा उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु का एक ही मूल्य होता है। चाहे बाजार में किसी वस्तु के 10 विक्रेता है तो भी 10 विक्रेता के पास उस वस्तु का एक ही मूल्य होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक काल्पनिक बाजार होता है क्योंकि इसमें ऐसा बोला जाता है कि 10 विक्रेता है तो 10 ही विक्रेता एक ही प्रकार की वस्तु को बेचते हैं और उसका एक ही मूल्य रखते हैं, ठीक। अब प्रोफेसर मार्शल ने इसकी क्या परिभाषा दी है कि बाजार जितना अधिक पूर्ण होगा उतना ही इसके अनेक भागों में किसी एक वस्तु के लिए एक समय पर एक ही कीमत देने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता का सार यह है कि इस दशा में कोई भी एक क्रेता विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाता, वस्तु का एक ही मूल्य होता है। बिल्कुल, क्रेता विक्रेता बाजार के मूल्यों को बदल नहीं सकते हैं, मांग पूर्ति के आधार पर बाजार के मूल्य इसमें बदलते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषता है जो हम जानेंगे। पहला बोला इसमें क्रेता एवं विक्रेताओं की बड़ी संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है। विक्रेता वस्तु की पूर्ति का बहुत थोड़ा सा भाग खरीदता है, अतः वे क्रय विक्रय की मात्रा में कमी या वृद्धि करके व्यक्तिगत रूप से मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाते। क्या बात बोल रहा है वो कि क्रेता विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, ठीक है। कोई भी विक्रेता है ना या कोई भी क्रेता बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। कोई एक व्यक्ति है वो किसी विक्रेता से किसी वस्तु की कम मात्रा को खरीद लेगा तो इसका मतलब बाजार में ये अफवाह नहीं फैलेगी कि यार इस वस्तु की कम डिमांड हो रही है तो हम क्या कर दे, कीमत को कम कर दे। ऐसा नहीं है, क्रेता विक्रेता बाजार मूल्य को नहीं बदल सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता विक्रेता की बड़ी संख्या होती है। कोई भी विक्रेता अगर किसी वस्तु की थोड़ी सी भी मात्रा को खरीद लेता है या बेच देता है या क्रेता किसी वस्तु की थोड़ी सी मात्रा को खरीद लेता है तो इस बात का वस्तु की कीमत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड, बाजार का पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं और विक्रेताओं को वस्तु संबंधी बाजार में प्रचलित मूल्य का पूर्ण या संपूर्ण ज्ञान होता है, अतः वे प्रचलित मूल्य पर ही वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। क्रेता और विक्रेता दोनों को इस बात की जानकारी होती है कि वस्तु का मूल्य कोई नहीं चेंज कर सकता है, तो क्रेता को भी जानकारी होती है कि मैं किसी भी विक्रेता से वस्तु खरीदूँ उसका एक ही मूल्य रहेगा, और विक्रेता को भी मालूम है कि मेरे साथ मेरे ही जैसा काम करने वाले 10 व्यक्ति है तो उनके पास जो वस्तु है उसका भी एक ही मूल्य है। तो क्रेता विक्रेता को बाजार में वस्तु के मूल्य की पूरी जानकारी होती है। थर्ड, एक रूप या समरूप वस्तु। ऑब्जेक्टिव आता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु कैसी होती है, तो समरूप मतलब समान या एक ही रंग रूप आकार की वस्तु विशेष एक या समान होती है, चाहे वह किसी भी उत्पादक द्वारा उत्पन्न की जाए या बेची जाए। वस्तु का प्रमापीकरण होता है, वस्तु की इकाइयां मात्रा गुण धर्म सब में समान होती है तथा एक दूसरे के पूर्ण स्थापन होती है। वस्तु जो है कोई भी उत्पादक उसका प्रोडक्शन करे, ठीक है, लेकिन सभी के पास एक जैसी ही क्वांटिटी होती है। कहने का मतलब है एक समरूप या एक रूप वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी विक्रेताओं के पास एक ही समान रंग रूप गुण की वस्तु होती है, चाहे उन वस्तु का उत्पादन कोई भी व्यक्ति करे, उनकी सबकी वस्तुएं एक जैसी होती है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अगला है पूर्ण स्वतंत्रता तथा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता व विक्रेता स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी पूर्ण गुप्त संधि समझौते या बंधन के अपनी इच्छा अनुसार वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। वस्तु के क्रय विक्रय पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता। मूल्य वस्तु की मांग एवं पूर्ति के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते रहते हैं।
हमने इसके मीनिंग में ही पढ़ा था, इसके मीनिंग को ही लेकर इसमें सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना। समान मूल्य और क्रेता विक्रेता की संख्या, बाजार का ज्ञान, वही सारे पॉइंट्स आ रहे हैं मीनिंग को लेकर। तो यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अर्थ है क्रेता विक्रेता को कोई बाध्य नहीं करता, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। क्रेता किसी भी विक्रेता को मूल्य बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और विक्रेता किसी भी क्रेता को वस्तु खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वह आपस में वस्तु की खरीदी बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की कीमत बाजार की मांग और पूर्ति के आधार पर बदलती है। ठीक है, अगला, एक समान मूल्य। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में किसी समय विशेष में वस्तु का एक समान मूल्य पाया जाता है। एक विक्रेता कीमत नहीं बदलता, वह पूर्ति बदल सकता है। क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जितने भी विक्रेता है और उनके पास जितनी भी वस्तु है सबकी कीमत एक ही होती है। कोई भी विक्रेता कीमत को नहीं बदल सकता, वो पूर्ति को बदल सकता है। ठीक है, 10 विक्रेता है, किसी ने किसी वस्तु की 20 इकाइयां बेची, किसी ने 50 बेची, किसी ने 100 बेची, लेकिन एक ही कीमत पर। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें क्रेता एवं विक्रेताओं में पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता एवं विक्रेताओं में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। उनके क्रय विक्रय में कोई बाधा नहीं होती, न ही उन्हें आपस में किसी प्रकार का कोई स्नेह व लगाव होता है। यहाँ बोला जा रहा है कि वो अपनी वस्तु को बेचने के लिए स्वतंत्र है, उनके बीच किसी भी स्नेह मित्रता को लेकर वस्तु की खरीदी बिक्री वाला काम नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में आपको फर्स्ट टॉपिक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ और इसकी विशेषता। अब अगर किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो डाउट के लिए कमेंट्स बॉक्स है, उसमें कमेंट लिखकर अपना डाउट लिखकर डाउट को माइंड से डिलीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।